जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ये क्या बेहूदा सवाल है? मैं अपने बच्चे को चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं लेके आ सकती? झूठ मत बोलो, ठीक है? तुमने कोई अपॉइंटमेंट ली ही नहीं थी हॉस्पिटल में, मैं सब जानती हूँ। और एक बात बताओ मुझे संपदा, इस वक्त तो बिल्लू को डे केयर में होना चाहिए था ना, लेकिन तुम उसे चुपके से डे केयर से यहाँ हॉस्पिटल लेके आई क्यों? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं मोक्ष की आई हूँ और मोक्ष की तकलीफ मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। मतलब क्यों, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? लो तुम खुद ही देख लो, मोक्ष ने अब तक चलना नहीं सीखा है, उसके उम्र के सारे बच्चे चलने लगे, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही थी और इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेके आई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा है उसे ज्यादा देर तक गोद में मत रखो और उसे फर्श पे रखो ताकि वो चलने की कोशिश करे। ये सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। और कल्याणी तुम अपने आप को इसकी माँ समझती हो ना, तो तुमने कभी ये बात नोटिस नहीं की? तुम करती भी कैसे, क्योंकि तुम खुद एक 18 साल की बच्ची हो। तुम एक बच्चे के साथ खेल जरूर सकती हो, लेकिन उसके लिए क्या भला है क्या बुरा है ये तुम कभी समझ नहीं पाओगी कल्याणी। झूठ बोला बंद करो संपदा। मल्हार जी, ये संपदा झूठ बोल रही है और जरूर कोई चाल चल रही है। मैं चाल चल रही हूँ? मैं भला अपने बच्चे के साथ कोई चाल क्यों चलूंगी? तुम पागल हो गई हो कल्याणी। चाल तो तुम चलने लगी हो कल्याणी। तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? हम दोनों का पीछा ही करने आई थी ना तुम यहाँ। कल्याणी अगर हॉस्पिटल नहीं आती तो मोक्ष का क्या होता समझती हो ना तुम? अरे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पागल हो गई थी। ठीक है मैं मानती हूँ इसने मेरे बच्चे की जान बचाई जरूर है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना माई कि ये हमारा पीछा करते करते यहाँ हॉस्पिटल तक आई है। और तुम मेरे बच्चे की जिम्मेदारी ऐसी लड़की के हाथों सौंपना चाहते थे मल्हार? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ मल्हार, अगर मेरे बच्चे के इर्द गिर्द भी कल्याणी दिखाई दी ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और रिस्ट्रेनिंग का ऑर्डर दिला दूंगी, समझे तुम? अपनी वार्निंग अपने पास रखो संपदा। और जिस पीछा करने वाली कल्याणी की तुम बात कर रही हो ना, तुम उसी की वजह से जिंदा हो। उसका शुक्रिया बोलने के बजाय तुम उसी पर इल्जाम लगा रही हो। खैर तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। मल्हार जी आपको पता है संपदा है ना बिल्लू को। कल्याणी तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पढ़ाई लिखाई तुम्हें करनी है नहीं और मुझ पे तो एतबार तुम्हें रहा नहीं, अब तुम तो रहने ही दो मल्हार।